नैब ने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर को वालिद से मिलने कोट लखपत जेल आने पर गिरफ्तार किया गया। नैब हुकाम ने चौधरी शुगर मिल्स केस में यूसुफ अब्बास को भी हिरासत में ले लिया। जेल के बाहर लीगी काकनों की शदीद नारेबाजी, हमले से तल कलामी, काकुन रुकावटें अबूर करके जेल में दाखिल हो गए। नैब टीम मरियम नवाज को लेकर नैब ऑफिस पहुंच गई। कल जुडिशल रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। मरियम की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद भी जमा। पाक भारत कशीदगी, महकमा रेलवे का समझौता एक्सप्रेस बंद करने का फैसला। बंदिश का फैसला इंडिया में ट्रेन के अमले के लिए सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया। ड्राइवर ने ट्रेन इंडिया ले जाने से इनकार कर दिया। इंडियन पुलिस और एजेंसियां हिरासा करते हैं ड्राइवर और अमले का मौके। सिविल एविएशन अथॉरिटी की लाहौर रीजन में हवाई रास्तों में तब्दीली। नॉटम के मुताबिक फजाई रास्तों पर तैयारे 46,000 फीट से नीचे परवाज नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की फजाई हदूद से आने और जाने वाले तैयारों को मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान ने भारत के साथ तजारती तालुकात मुनकता कर दिए। वाघा के रास्ते भारत जाने वाली अशिया को रोक दिया गया। वाघा बॉर्डर पर पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ट्रक भी रोक दिए गए। ट्रकों में अफगानिस्तान से लाए जाने वाले खुश्क मेवाजात शामिल हैं। कश्मीर के भारत में अजदाम की कोशिश के खिलाफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट और हाईकोर्ट बार का एहतजाजी मुजाहरा। जीपीओ चौक में होने वाले मुजाहरे में वकला की कसीर तादाद में शिरकत। उधर पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की राबिया फारूकी ने जमा कराई। मकबूजा कश्मीर की खुदमुख्तारी खत्म करने पर पंजाब असेंबली का इजलास तलब किया जाए। फिरोजपुर रोड कवाफी स्टेडियम के करीब मेट्रो बस में अचानक आग भड़क उठी। मुसाफिरों ने मेट्रो बस के शीशे तोड़कर छलांगे लगा दी। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। ईद में चंद रोज बाकी, सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। ईद के करीब आते ही मुनाफा खोर माफिया सरगर्म। प्याज 100, टमाटर 120, लीमू 200, लहसुन 300, अदरक 350 रुपए किलो फरोख्त। हरा धनिया 250, आलू 50, तोरी 80, करेले 100, सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। निश्चर जोन इंतजामिया की गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई। टाउनशिप ग्रीन टाउन कॉलेज रोड पर कार्रवाइयां की गई। इंतजामिया ने कार्रवाई के दौरान 67 बकरे जब्त कर लिए। सगिया मवेशी मंडी में साहिवाल नस्ल के 7 बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज। पी बैल कीमत 15 लाख रुपए सुनकर शहरी के तोते उड़ गए। 4 साल लगाकर बैलों को तैयार किया, 15 लाख में बेचेंगे नहीं तो घर ले जाएंगे, व्यापारी अड़ गया। जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, खरीदार परेशान। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदारों की आमद का सिलसिला जारी। 25 मन वजनी मिठू के मंडी में चर्चे। मालिक के मुताबिक 25 मन वजनी मिठू को देसी घी मक्खन दूध पिलाकर पाला है। कीमत 15 लाख रखी है। दीगर खूबसूरत बैल भी शहरियों की तवज्जो का मरकज। ईद कुर्बा करीब आते ही बच्चों के साथ बड़े भी पुरजोश। कुर्बानी के जानवरों को आराशी सामान के साथ सजाने का सिलसिला उरूज पर। शहरी कुर्बानी के जानवरों के लिए खूबसूरत मोहरे, गले के हार, रंगीन दुपट्टे, ताज और पायल खरीदने में मसरूफ। यौम आजादी की आमद में सिर्फ 5 रोज बाकी। जश्न आजादी के सामान की फरोख्त अरूज पर। शहरी फैमिलीज बच्चे जश्न आजादी का सामान खरीदने पेपर मार्केट पहुंच गए। कौमी परचमों, बैजेस, झंडियों, सब्जो सफेद टी शर्ट्स, हैट्स की फरोख्त जारी। ईद उल अजहा जश्न आजादी। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ कमर कस ली। व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने वाला मैकेनिक भी जेल की हवा खाएगा। सीटीओ की सर्कल अफसरान को मोटर मैकेनिक्स को तंबी करने की हिदायत। जिले पुलिस के ताबुन से रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर्स की लिस्टें भी मरतब करने की हिदायत।
ईद उल अजहा पर जेलों में ड्यूटियां करने वाले स्टाफ की छुट्टियां मंसूख। आईजी जेल ने सिक्योरिटी इंतजामात और खाने पर अहकाम जारी कर दिए। ईद पर मुलाकात के लिए आने वालों की जामा तलाशी और घरों से आने वाले खाने के मैनुअल और स्कैनर से चेक किया जाएगा। आईजी जेल की हिदायत। ईद कुर्बा में चार रोज बाकी, ट्रेनें वक्त की पटरी पर ना आ सकी। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। कोयटा से आने वाली अकबर एक्सप्रेस 17.5 घंटे, कराची एक्सप्रेस 9 घंटे 40 मिनट, खैबर मेल 6.5 घंटे लेट, अल्लामा इकबाल 6 घंटे, ग्रीन लाइन 3 घंटे 10 मिनट, तेजगाम 3 घंटे, जिना एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट। डॉलर के बढ़ते रेट ने एक और मसला खड़ा कर दिया। अरियांटा कंसोल्टेड एक्सचेंज रेट पर डॉलर्स में टिकट के पैसे वसूल करेगा। सऊदी एयरलाइन ने उम्रा जायरीन के लिए 12 अगस्त से कराया डॉलर्स में लेने के हवाले से आगाह कर दिया। पीआईएस समेत मुल्की और गैर मुल्की प्राइवेट एयरलाइंस भी डॉलर्स में टिकट फरोख्त करेंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के हवाई अज़ला के लिए नए तालीमी पैकेज की तैयारियां। महकमा तालीम को 2 अरब रुपए के तालीमी पैकेज बनाने की हिदायत जारी। मियाँ वाली और डीजी खान के लिए नया तालीमी पैकेज पंजाब से अलग होगा। नए पैकेज में दोनों अज़ला को अलहदा से फंड्स का इजरा होगा। मियाँ वाली और डीजी खान में मॉडल स्कूल का क्याम और अपग्रेडेशन भी शामिल। महकमा एक्साइज में आए रोज अफसरान के तबादले, काम ठप हो गया। नंबर प्लेट, स्मार्ट कार्ड और प्रॉपर्टी टैक्स के चालान ताखिर का शिकार। स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट्स का इजरा महकमा एक्साइज के लिए दर्द सर बन गया। नया अफसर मंसूबों पर ब्रीफिंग लेता ही है तो तबादला हो जाता है। 8 लाख नंबर प्लेट्स ताखिर का शिकार, 4 लाख से जायद स्मार्ट कार्ड भी लटक गए। माली साल 2017-18 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया। रीजनल टैक्स ऑफिस 2 में गोशवारे जमा कराने वालों का रश लग गया। मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों के 41,000 से ज्यादा मुलाजमीन ने एनटीएन हासिल किया। पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस का 4 रुकनी वफ्द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद चला गया। वफ्द में इरफान इकबाल शेख, मोहम्मद अली मियां, नासिर हमीद खान, अंसर बट शामिल हैं। ताजर रहनुमा फिक्स्ड टैक्स की काबिल अमल तजावीज शबर जैदी और हफीज शेख को पेश करेंगे। मकबरा नूर जहां और मकबरा जहांगीर की तामीर और मरम्मत का काम वॉर्ड सिटी अथॉरिटी को देने का फैसला। महकमा बल्दियात ने समरी मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। अमरीकी काउंसिल जनरल सी जी कॉलन का ट्वीट, कहती हैं वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी आगा खान कल्चरल सर्विस में शामिल होने पर खुशी है। चौक वजीर खान में सकाफती वर्षे के तहफ्फुज के नए मंसूबे का इफ्तिताह किया। अंदरून लाहौर को तफरी का बायस बनाने का काम काबिल सताइश है। उन्होंने ट्विटर पर इफ्तिताह की तस्वीर भी शेयर की। एहतसाब अदालत, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल की समाअत ख्वाजा सलमान रफीक को पेश किया गया। ख्वाजा साद रफीक अदालत ना पहुंच सके, प्रोडक्शन ऑर्डर ना मिलने पर जज का इजहार बरहमी। ऑर्डर मेरे पास आने चाहिए थे, इजाजत का फैसला मैं करता, खुद ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके मुलजिम को बुलाया जाता है। फाजिल जज के रिमार्क्स, असेंबली से प्रोडक्शन ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट को भिजवाया गया। प्रोसिक्यूटर का जवाब, इसका मतलब है अदालत को बाईपास किया गया है। फाजिल जज, मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वजीर आजम के खिलाफ 10 अरब हर जाने के दावे की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी। इमरान खान के वकील बाबर ऐवान की शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की तफसील मांगने की दरख्वास्त। वजीर आजम के वकील की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ के वकील से जवाब तलब। ईद उल अजहा से कबल हाई कोर्ट में बच्चों की हवालगी केसेस की तरजीही बुनियादों पर समाअत। अदालती हुक्म पर पुलिस ने बच्चों की बड़ी तादाद को वालिदैन के हमरा अदालत पेश कर दिया। बच्चों के नाराज वालिदैन के एक दूसरे से शिकवे। LDA की गवर्निंग बॉडी का बजट इजलास, वाइस चेयरमैन MS इमरान की जेर सदारत जारी। माली साल 2019-20 LDA वासा टीफा का बजट पेश किया जाएगा। LDA UD विंग के बजट की आमदन का तखमीना 14 अरब 50 करोड़ लगाया गया। अखराजात की मद में 14 अरब रुपए का बजट तजवीज कर दिया। तरक्याती कामों पर 7 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज। गैर तरक्याती कामों की मद में 6 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज।
गवर्नर हाउस में रेस्क्यू 1122 की जानिब से रोड सेफ्टी वर्कशॉप का इनेकाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रजवान नसीर, मरियम मलिक, उजमा कारदार, डॉक्टर असद गैलानी की भी शिरकत। वर्कशॉप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रेस्क्यू 1122 के बाहमी ताबुन से मुनक्कद हो रही है। और पीसीबी ने सीजन 2019-20 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिए। पीसीबी ने 19 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। खिलाड़ियों के मुआवजों में भी नुमाया इजाफा। कैटेगरी ए में सरफराज अहमद, बाबर आजम और यासिर शाह शामिल। कैटेगरी बी में असद शफीक, अजहर अली, हारिस सुहेल, इमामुल हक, मोहम्मद अब्बास और दीगर शामिल। कैटेगरी सी में आबिद अली, हसन अली, फखर जमान, इमाद वसीम समेत दीगर शामिल।